एडवेंचर, सस्पेंस एंड मिस्ट्री, ये मूवीज़ किनको पसंद नहीं आती। जो भी देखता है इनका दीवाना हो जाता है, क्योंकि हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 एडवेंचर्स मूवीज़ के बारे में बात करेंगे, जो तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवीज़ पूरे तरीके से हमारे दिमाग को घुमा कर रख देंगी। और इन सभी मूवीज़ की स्टोरी अलग अलग है। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू मूवीज़ क्लिक। हमारी नंबर 10 वाली मूवी है द केव। ये 2005 में आई थी। इस मूवी को रिसर्च टाइप में बनाया गया है। इसमें एक टीम है, वो एक गुफा में रिसर्च के लिए जाती है और वहाँ पर वो एक खतरनाक ही मॉन्स्टर से उसका सामना होता है। कैसे ये लोग उसका सामना करते हैं और वहाँ पर सरवाइव करते हैं, ये आपको मूवी में देखना होगा और आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 9 पर आती है हमारी द बिग गेम, 2014 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी की कहानी में हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में दिखाया जाता है, जिसे उन्हीं के लोगों ने जंगल में छोड़ दिया है मरने के लिए। पर लेकिन उसकी वहाँ पर एक लड़की से मुलाकात होती है, जो उसे उस जंगल में सरवाइव करना सिखाता है। किस तरीके से वो लड़का और प्रेसिडेंट एक दूसरे की जान बचाते हैं, आपको ये मूवी में देखना चाहिए। नंबर 8 पर आ जाती है हमारी द हाइनेस, 2011 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी की कहानी में दो राजकुमार हैं, जिनमें से एक डरपोक है और एक बहादुर। जब एक इंसान उनकी राजकुमारियों को किडनैप करके ले जाता है, तो वो कैसे दोनों राजकुमार अपनी राजकुमारियों को बचाते हैं, इस मूवी में इसे दिखाया गया है। ये मूवी एडवेंचर के साथ साथ कॉमेडी भी होने वाली है। नंबर 7 की मूवी है हमारी फाइंडिंग ओहाना, जो 2021 में रिलीज हुई है। इस मूवी में एक छोटी सी लड़की अपने दादाजी का खजाना ढूंढने के लिए निकलती है अपने दोस्तों के साथ। वो कैसे कैसे उस खजाने को ढूंढती है और क्या क्या पहेलियां सॉल्व करती है, ये आपको मूवी में देखना चाहिए। नंबर 6 पर आ जाती है हमारी द लीजेंड ऑफ सर्जन, 2016 की मूवी। इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो इसमें एक बड़ा सा भालू है, जो इंसानों के साथ रहने लग जाता है। पर लेकिन उसे अपने जाति के लोगों को बचाने के लिए वापस से जंगल में जाना पड़ता है। और आखिर वहां पर क्या लड़ाई होती है, क्या होता है, ये आपको मूवी में देखना चाहिए। ये मूवी भी आपको हिंदी में मिल जाएगी। और इस मूवी में बहुत ही खतरनाक एक्शन, एडवेंचर और ड्रामा दिखाया है। नंबर 5 पर आ जाती है हमारी 2019 की ट्रिपल फ्रंटियर मूवी। मूवी की कहानी में हमें देखने मिलता है कि एक सोल्जर्स की टीम माफिया को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है और वहां पर उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। और कैसे कैसे वो उसे पकड़ने में एडवेंचर का सामना करते हैं और जंगल में सर्वाइव करते हैं, ये आपको मूवी में देखना होगा। नंबर 4 पर आ जाती है हमारी 2009 की मूवी ए परफेक्ट गेटअवे। इस मूवी में मिस्टीरियस एडवेंचर और एक्शन को कूट कूट कर दिखाया है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी की बात करें तो इसमें एक कपल है, जो अपने हनीमून के लिए निकलता है और उनकी मुलाकात वहां पर दो किलर से होती है। वो कौन है वो किसी को नहीं पता। और मूवी के एंड में तो पूरी स्टोरी बदल जाती है। दोस्तों, ये तुम्हें ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 3 पर आ जाती है हमारी 2021 की मूवी अ बॉय कॉल क्रिसमस। इस मूवी की कहानी में एक छोटा सा लड़का अपने बाप को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसका ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा रोमांच रहता है। और इसी सफ़र में हमें पता चलता है कि आखिर क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। इस मूवी में एडवेंचर में आपको ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। नंबर 2 पर आ जाती है हमारी 2003 की मूवी द राउंड डाउन। इस मूवी की कहानी में एक आदमी है, जो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलता है, पर लेकिन वो उसका मुलाकात एक खजाने से होता है और वो उस खजाने के पीछे पड़ जाता है। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही मिस्टीरियस है, आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए कि
कि आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। और दोस्तों आखिर नंबर वन पर आ जाती है हमारी 2018 की मूवी अल्फा। इस मूवी की कहानी बहुत ही प्राचीन है। एक कबीला शिकार के लिए निकलता है और उसमें से एक लड़का गुम हो जाता है और वो उसे मरा हुआ समझकर चले जाते हैं। पर लेकिन वो लड़का कैसे अपने घर आने के लिए स्ट्रगल करता है और उसकी मुलाकात किससे होती है, ये आपको मूवी में देखना चाहिए। ये मूवी भी आपको हिंदी में अमेजॉन प्राइम पर मिल जाएगी। और दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मूवीज़ के ऐसे ही फैन हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं।